राधा कुंड में रहता है, तू ब्रजवासी है, तो हमेशा मान के चलना कि तू कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय है। भाई मानता ही होगा, नहीं मानते? मानते हैं भाई। ये अमेरिका जयपुर जहाँ पे मैं रहता हूँ श्रेष्ठ नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तुम्हारी है ना है? तो ये बोलो राधे राधे। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक। तो राधे राधे सभी को, आज एक व्लॉग और बना रहे हैं और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं साधु सेवा को लेके। जो सबसे बड़ी सेवा है ना वो साधु सेवा है, ठीक है? एक साधु जो भगवान के भक्त है, अगर आप उनकी सेवा करते हो, उनकी सेवा का अवसर मिल जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं बहुत मतलब बड़ी बात है ना। तो भाई साधु सेवा का एक अवसर मिला है आज हमें, और क्या करने वाले हैं भाई आपको, जैसे कि मैंने बताया ठंड बहुत है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, 3-3, 2-2 डिग्री रात को टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पे एक साधु रहते हैं, बहुत बड़े साधु हैं है ना, उनकी अभी मैं आपको कुटिया भी दिखाऊंगा, और उनको हम कंबल दे रहे हैं, ठीक है, शॉल दे रहे हैं, और एक नीचे बिछाने के लिए कंबल सही दे रहे हैं ना। तो भाई अभी अपन वहाँ चलते हैं। अब साधु सेवा क्यों ज़रूरी है? साधु सेवा जब आप करते हो ना, तो आप किसी साधु की मदद नहीं कर रहे हो, ये गलती कभी मत कर सोच लेना। साधु सेवा करने से आपका हित होगा, है ना, आपके जो कर्म है, जो बुरे कर्म है वो कटेंगे, आपका आने वाला जो समय है, आपकी जो पुण्य है, जो भक्ति है वो जागृत होगी। साधु की कृपा अगर आप पे पड़ जाए, है ना, साधु की कृपा आप पे पड़ती है, तो भैया भक्ति देवी जो है ना वो प्रसन्न हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी, वहीं पर अपन चल रहे हैं, है ना। मैं उनका दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको आगे पेड़ है ना, वहीं पे चलेंगे। गाय देखो, गाय के उधर एक है ना, मोर भी है, यहाँ पे मोर बहुत सारे हैं, वो ऐसे दुबक दुबक के देख रहा है, पीछे घूम रहा है मोर वहाँ पे। मोर तो यहाँ पे आपको इतने सारे दिख जाएंगे, मोरों का तो ये वो है, क्या कहते हैं घर, ओ ये कौन सा पक्षी था, उड़ गया। अभी अभी थोड़ा सा रुकते हैं और जाने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो भाई जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये वीडियो का मेन उद्देश्य ये है, आप नॉर्मली बहुत से डोनेशन कर लेंगे, है ना, बहुत मदद कर देंगे, लेकिन एक साधु की जब आप मदद करोगे तो आपका हित होगा, आप जीवन में राइज करोगे, है ना। तो साधु सेवा जीवन में कभी भी मिले ना ले लेनी चाहिए। साधु सेवा हमेशा पैसों से नहीं होती है। अगर आप सोचो कि पैसा दे के या फिर कुछ वस्तु देके आप साधु सेवा कर रहे हैं, नहीं, साधु सेवा का सबसे बड़ी तो सेवा ये है कि भाई आपको साधु के साथ रह के उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, है ना। तो कभी भी साधु का अगर आपको संग मिले तो कोशिश करो उनके चरण दबाने की, है ना। और साधु इतनी जल्दी सेवा देते भी नहीं है, मतलब लेते नहीं है, है ना, साधु इतनी जल्दी सेवा लेते नहीं है। अगर उनका आप पे आ गया मन तो सेवा लेंगे, और फिर अगर साधु आपसे प्रसन्न हो गए तो सीधी सी बात है कि भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये जीवन में रख लेना, क्योंकि हमें क्या बनना है, शास्त्र कह रहे हैं दासानुदास, भगवान के दास के दास के दास का दास का दास, ये क्लियरली कह दिया है। तो अहंकार हटाना पड़ेगा जीवन में, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कुटिया बाबा जी की। आराम से खींचिए, तो तू तो तन का फोटो ले लेगा जी, यहां बैठ आराम से बैठो, अभी विनन चल ले लियो जी। कबूतर आपके पास बैठ जाओ, आराम से देखते रहो। तोते नहीं दिख रहे अभी, यहां पे तोते भी आते हैं बहुत सारे, वहां बैठ जाओ चबूतरे वाले कोने। अच्छा अभी यहां पे तोते भी आएंगे, सब आएंगे जी जी। आएंगे, अच्छा आएंगे, मोर आएंगे। जी जी मोर भी बहुत आ रहे हैं, मोर भी आते हैं जी।
वहाँ कोने से देखने से अच्छा लगेगा। जी हाँ अभी वही जा रहे हैं। अभी तो आपका ये सामान देख के वो उड़ जाते हैं ना। जी डरते हैं। तो यहाँ पे मोर कबूतर और सब आते हैं। बहुत ही सुंदर जगह देखो। जी जी और आराम से बैठो अभी 10-20 मिनट। हाँ भाई मैं एक बार बाबा जी के पास जाके उन्हें भी दे देता हूँ। बाबा जी सवेरे कह रहे हो बाबा तो ऐसे ही लग रही थी। तुम राजी मेरी बात नहीं ऐसे ही भूखे रही है। बाबा जी ये शॉल ये भिजवाया था, ये कंबल जी और ये शॉल है और ये नीचे बिछाने के लिए ठाकुर जी के। जी ये हो धन्यवाद बाबा जी। जी ले राधा रानी को प्रसाद ले जा कल 56 टन का भोग लगाओ। जी 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 अच्छा राधा रानी के कल जो राधा कुंड पे लगा था। जी 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 बहुत ही सुंदर जगह। तो आपने क्या देखा अभी कि जो ये साधु थे इन्होंने क्या किया? हमने दिया, इन्होंने किनको अर्पण किया? भगवान को। देखा शॉल उड़ाया। तो ये चीज़ है, ये हमें सीखना पड़ेगा कि भाई जो भी वस्तु आती है वो हम भगवान को अर्पण करें, ठीक है? जब वो प्रसाद होए उसके बाद उसको ले। तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ अगर वो आए। और बाकी देखो साधु की कृपा हुई, कल अपन गए थे राधा कुंड है ना, वहाँ पे भोग लग रहा था लेकिन मिला थोड़ी, आज साधु की कृपा हो गई, देखो अपन को मिल गया राधा रानी का प्रसाद। तो भाई साधु कृपा का ये फ़ायदा है, नहीं समझे? साधु की कृपा अगर हम पे हो जाए तो सारी चीज़ें अपने फेवर में हो जाती है। तो कोशिश करो साधु कृपा मिले है ना जीवन में। बाकी कबूतर सारे ऊपर चले गए, शायद मुझसे डर गए, और तोते वोते भी नहीं आ रहे हैं, उस पे ऊपर बैठे ना तोते, पता है इस पेड़ के ऊपर है, वो दिखेंगे नहीं, बहुत घना पेड़ है। कुटिया, बाबा जी की कुटिया। देखो ये कौन सा पुष्प है, ये कौन सा पुष्प है कोई बताएगा मुझे? मेरे को नहीं पता कौन सा पुष्प है। सुंदर लग रहा है पर जो भी है, ये देखो भगवान की आप वो देख रहे हो, इतना सुंदर पुष्प, बीच में लाल पीले पत्ते हरे करके दिखा दे कोई मनुष्य, कोई मनुष्य करके दिखा दे ये चीज भाई, ये भगवान की सुंदरता है। आप जब मोर के पंख देखते हो क्या सुंदरता है, कैसे कलर अलग अलग कलर नहीं, तो ये चीज़ तो वही है, पक्षी हर चीज़ में सुंदरता। केले का पेड़, केले का पेड़ है, छोटा सा है पर है नहीं, केले नहीं है छोटा है, अभी बड़े होंगे तब आएंगे वो भी, देखो छोटे छोटे केले के पेड़ है। यहाँ पे आते हैं कबूतर, एक दिन आएंगे है ना यहाँ पे, जब कबूतर तोते और मोर होंगे फिर दर्शन करेंगे इनके, क्योंकि ब्रज के हैं ये इसलिए श्रेष्ठ है ना। और यहाँ पे खेती हो रखी है, किसकी है मुझे नहीं पता, टमाटर है क्या? देखो खेत ही खेत हैं, खेत ठीक है। और जहाँ पे ऐसे प्रकृति इतनी सुंदर होगी वहाँ पे देखो पक्षी, तो ब्रज है भाई। तो क्या
क्या क्या सीखा साधु सेवा से, आखिर क्या निकला? आज ये निकला कि भाई राधा रानी की कृपा भी बनी हुई है अगर साधु सेवा है तो आज प्रसाद मिला। इस वीडियो में इतना ही है, चलते हैं, है ना। अभी मेरे को लगता नहीं है वो मुझसे डरे हुए हैं तो अभी आने वाले कोई भी तोता उड़ते हुए तो ऊपर दिख रहे हैं गोरा, तो मेरे को लगता नहीं अभी आएंगे मोर और ये, तो चलते हैं। बाकी बाबा जी से डरते नहीं है, मुझसे तो डर रहे हैं क्योंकि आदत नहीं है ना उनको मेरी। बाबा जी उनके पास चले जाते हैं, हाथ में आके उनसे ले लेते हैं। तो किसी दिन आऊँगा तब अपन ब्लॉग शूट करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं एक बार, बाकी एक बार वापस दर्शन करा देता हूँ, हनुमान जी के दर्शन करो। देखो जी मैं आऊंगा, अभी तो आए नहीं कितने बजे तकरीबन आऊं? आध घंटे बाद आने वाले हैं अब पेड़न पे। अच्छा फिर आएंगे जनता की वजह से। जी 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 पल्ली साइड में, हाँ हाँ वहाँ पे बाकी वजह से, ठीक है। तो भाई हजारों तोते देखने का मौका मिलेगा। तो अब अपन आज खुश हैं, है ना, आनंद। इतनी सुंदर जगह है, मतलब मेरे को तो पता है मैं जयपुर में रह रहा था, ठीक है, अच्छी जगह है जयपुर, शहर है, हर सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है, हर सुविधाएं आपको इंटरनेट की बहुत अच्छी सर्विस मिल जाएगी, है ना, हर एक सुविधा है, कोई आपको दुख नहीं है। बट ये जो आनंद है ये आपको जयपुर, मुंबई या किसी भी ऐसी जगह पर चले जाओ, अमेरिका, लंदन, नहीं मिलेगा। ये सुख लेना है, ये आनंद लेना है जो परमानेंट है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, नहीं, और साधु कृपा होगी तो ही ऊपर में। देखो मोर ये मोर मुझे तो डरेगा, मेरे से अभी फ्रेंडली नहीं है, है ना। देखो 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 पहले ही निकलने लग गया, बट इतना सुंदर कहीं दिखता है? मोर दिखता है आपको इतनी इजीली कहीं पे भी? इतनी इजीली रेयरली कभी दिख जाए, बट सुबह के वक्त ऊपर पता है छत पे कम से कम 10-20 मोर तो आपको मिल जाएंगे, ऊपर वाली पे 10, उससे नीचे वाली पे 10 और इधर वाली पे 10-10 मोर। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर मैं वर्णन नहीं कर सकता, है ना। और ये देखो, ये देखो गाय खड़ी है, मोर है, तोते हैं, कबूतर है, काला पक्षी है, बछड़े हैं, गाय के गोबर हैं, वो इसको क्या कहते हैं, कंडे हैं, है ना, पेड़ है, ठंडी ठंडी हवा है, बिजली के खंभे पर उसमें बिजली वालों के तार नहीं है, तो ये सुंदर। और क्रिकेट दिखाऊं? क्रिकेट भी चल रहा है यहाँ पे, बहुत से लोग खेलते होंगे, क्रिकेट का आनंद लिया होगा अपने जीवन में, नहीं तो एक आध दिखा देता हूँ। विराट कोहली सब फेल है इन बच्चों के आगे। जो गली में क्रिकेट खेलने का मज़ा है ना, वो स्टेडियम में खेलने में नहीं आता। नहीं मैंने भी बहुत खेला है, गली में सिक्स मारने की जो फीलिंग आती है ना, वो स्टेडियम में खेल, मैंने स्टेडियम में भी खेला है और गली में भी खेला है, पर सिक्स मारने की असली फीलिंग, असली आनंद, असली मज़ा तो आपको वहीं पे आएगा। कहाँ पे? गली में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे जो खेल रहे हैं, देखो कंडे लगा रही है माता जी। राधे राधे, आया तो बच्चे खुश हो गए, यूट्यूब पे हमारी बनाओ। राधे श्याम, फेमस करा, भाई यहाँ पे बॉलिंग कौन अच्छी कराता है? कौन है? नहीं यहाँ पे आप में से कौन अच्छी बॉलिंग कराता है? अच्छी बॉलिंग ये कराता बच्चा, ये रहा। करवा करवाए, तू तो थ्रो फेंक रहा है। नहीं मैं बॉल डाल रहा हूँ। पर थ्रो कर रहा है, थ्रो नहीं बुमरा बॉल डाल रहा हूँ। बुमरा बॉल डाल रहा है, अच्छा बुमरा बॉल।
देखो ये बुमरा बॉलिंग करा रहा है ये क्या नाम है मुदित मुदित कहाँ से राधाकुंड में अरे बहुत ही बढ़िया कहाँ से कहाँ पे रह रहे हैं राधाकुंड कहाँ पे मिश्रा मोहल्ला राधाकुंड अच्छा अरे भाई राधे राधे नाम तो बता लक्ष्य कौशिक सब नाम बता दो यूट्यूब पे आपको देखेंगे मुदित शर्मा शर्मा क्या नाम तो बता दे वल्लभ शुक्ला वैभव शर्मा मुदित शुक्ला विवेक नैतिक शुक्ला दक्ष कौशिक मुदित शर्मा कौशिक अर्पित कौशिक श्रेयांश शर्मा क्या क्या इधर है तिलक लगा रखा है जय देशला जय इधर है ये क्या लगा रखा है सर पे तिलक आता है तेरे को लगाना अरे और शांत भारत दो आज प्रशांत वैभव शर्मा देख इधर नाम क्या बताया था अर्पित कौशिक अर्पित यूनाइटेड किंगडम अगर तू लंदन में है वो इतनी बड़ी जगह नहीं है जितना तू ब्रज में है तो तेरी वैल्यू ज्यादा है उनसे ये ध्यान रखना हमेशा ओके भैया जो राधा कुंड में रहता है तू ब्रजवासी है तो हमेशा मान के चलना कि तू कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय है मानता ही होगा नहीं मानते भाई ये अमेरिका जयपुर जहाँ पे मैं रहता हूँ श्रेष्ठ नहीं है हमारी कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू तुम्हारी है ना है तो ये बोलो राधे राधे दिल से दिल तक हाँ ठीक है भैया एक बात बताऊँ हाँ इसकी सर पे ना बाल नहीं है अच्छा है ना तो बढ़िया है तो ठीक है राधे राधे तो बहुत ही सुंदर बच्चे थे देखा तो क्रिकेट हो गया बाकी वो बुमराह बॉलिंग कर रहा था चक समझते हो थ्रो फेंक रहा था बट ठीक है यार आजकल सब चलता है बच्चों में आज के टाइम पे ऐसे ही बॉलर है ये वाला पक्षी तो आपने देखा होगा हर जगह दिख जाता है तो दोस्तों अब अपन आ चुके हैं और वो मोर मैंने कहा ना एकदम आएंगे अभी तो पास ही आ गए अपने घर के तो अब इसको अपन एंड करेंगे वीडियो को व्लॉग को और तोते दिखाता आपको बट क्या हुआ ना समझ चुके होंगे तो राधे राधे है सभी को फिर कहना चाहूँगा साधु सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है जीवन में कभी भी मिले उससे पीछे मत हटना ठीक है हमें मिली राधा रानी का प्रसाद मिल गया जो किसी को नहीं मिला साधु की कृपा हुई तभी मिला है ना तो सभी को राधे राधे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाकी लाइव में 10 बजे आ जाना ठीक है राधे राधे